बीजेपी के सीएम पद उम्मीदवार येदियुरप्पा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर बैकडोर से एंट्री करने का आरोप लगाया है। येदियुरप्पा ने कहा कि वे लगातार केंद्र के टच में हैं, मैंडेट के साथ जीत मिलने के बाद वो नई रणनीति पर विचार करेंगे। तो कांग्रेस पर बैकडोर से एंट्री करने का आरोप यहां पर येदियुरप्पा ने लगाया है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये तमाम अहम बातें प्रेस वार्ता के दौरान कही। कहना यही कि कांग्रेस अब बैकडोर से एंट्री करना चाहती है, जबकि जल्द ही वो शपथ लेंगे, बहुमत सिद्ध करेंगे और बहुमत को लेकर यहां कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों से इनकी बात चल रही है। इसे लेकर ही खास प्रेस वार्ता येदियुरप्पा ने की। इस दौरान कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी येदियुरप्पा ने लगाया कि बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, उसी जद्दोजहद में लगी हुई है, जबकि सरकार हमारी बनेगी और जल्द ही शपथ लेंगे। बड़ी बात यह भी उन्होंने कही कि बहुमत साबित करने को लेकर जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों से बीजेपी की बात चल रही है।